नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो ये क्लेम नहीं आसान, इसमें आपका स्वागत है। और आज ये हम शो आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि हम आपको ये बता पाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं अक्सर उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने ये दिक्कतें आती हैं कि क्लेम जब लेने की बारी आती है तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर इंश्योरेंस एजेंट्स पॉलिसी बेचते वक्त बहुत सी जरूरी बातें आपसे छुपा लेते हैं। दिक्कत तब आती है जब आप उसे कैंसिल कर अपने कंपनी से रिफंड मांगते हैं। ऐसा ही हुआ मुंबई के एक शख्स के साथ जिन्हें चार चार पॉलिसी खरीदने और करीब 4.5 लाख रुपए का प्रीमियम चुकाने के बाद गड़बड़ियों का पता चला। काफी भागदौड़ के बाद रिफंड के लिए उन्होंने बीमा लोकपाल से शिकायत की और उनका केस सुलझ गया। लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता कि ऐसे मामलों में क्या करें, गड़बड़ियों की शिकायत कहां पर करें, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले किन बातों का ख्याल रखें, ध्यान रखें, क्लेम लेने में दिक्कत आए तो कहां पर शिकायत करें। लोगों को आमतौर पर इसकी जानकारी नहीं होती है। आसान क्लेम सेटलमेंट के लिए क्या कदम उठाएं, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम आप सब जानना चाहते हैं और इसीलिए आज हमने आपके लिए महत्वपूर्ण शो प्लान किया है। इस पर हम बारीक चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे जो आपको बताएंगे कि इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आज के दौर में रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जो चीज सबसे जरूरी मानी जाती है वो है इंश्योरेंस। बात चाहे जिंदगी की हो, इलाज की हो या गाड़ी और दूसरी जरूरी चीजों की, हर चीज की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस करा लेना सही होता है। देश में सरकारी गैर सरकारी कुल 58 बीमा कंपनियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो पॉलिसी बेचने के चक्कर में ग्राहकों से कई टर्म और कंडीशंस छुपा ले जाती हैं। दिक्कत तब शुरू होती है जब ग्राहक रिफंड या क्लेम के लिए अप्लाई करता है तो कंपनियां नियमों का हवाला देकर रिफंड देने में आनाकानी करने लगती हैं और लोग कंपनियों के चक्कर ही लगाते रहते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई के रहने वाले एक शख्स के साथ जिसे आशुतोष राणा नाम के एक एजेंट ने प्रॉफिट शेयरिंग बेनिफिट्स देने की बात कहकर इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी। ज्यादा फायदे के लिए उन्हें अधिक प्रीमियम चुकाना था। कंपनी के एजेंट की बातों में आकर पीड़ित शख्स ने 4 पॉलिसीज खरीद ली और कंपनी को कुल 4,32,000 रुपए का प्रीमियम भी चुका दिया। धोखाधड़ी का पता चलने पर उन्होंने रिफंड की बात कही, लेकिन कंपनी ने फ्री लुक पीरियड खत्म होने की बात कहकर रिफंड देने से मना कर दिया। ठगी का एहसास होने के बाद पीड़ित युवक ने बीमा कंपनी की शिकायत इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन यानी बीमा लोकपाल से की। बीमा लोकपाल ने शिकायत और डॉक्यूमेंट से जांच के बाद उनकी बातों को सही माना, उचित क्लेम तैयार किया। लोकपाल ने कंपनी को क्लेम सेटलमेंट के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। देश में 40 करोड़ से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स हैं। इनमें से मुट्ठी भर लोग ही होंगे जो सारी शर्तों को पढ़ते होंगे। ज्यादातर लोग कंपनियों के एजेंट के भरोसे ही पॉलिसी खरीद लेते हैं और बाद में मिस या क्लेम सेटलमेंट के लिए चक्कर लगाते रहते हैं। कंपनियों की इन्हीं मनमानियों के खिलाफ भारत सरकार ने बीमा लोकपाल नियुक्त किए हैं जो इंश्योरेंस से जुड़े सभी तरह के मामलों का निपटारा करते हैं। आप भी यहां अपनी शिकायत बिना एक रुपया खर्च किए दर्ज करा सकते हैं। आप देश की किसी भी लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी शिकायत यहां कर सकते हैं। वो इंश्योरेंस कंपनी, उसके एजेंट या इंटरमीडिएटरी की कंप्लेन भी लोकपाल से कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस, सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रोप्राइटरी फर्म को जारी और माइक्रो इंटरप्राइजेस को जारी पॉलिसी की शिकायत भी यहां कर सकते हैं। खुद पॉलिसी होल्डर भी शिकायत कर सकता है, साथ ही पॉलिसी होल्डर का नॉमिनी या वैधानिक उत्तराधिकारी भी लोकपाल में शिकायत कर सकता है। लेकिन आपको शिकायत का अधिकार तभी है जब इंश्योरेंस कंपनी के शिकायत निपटारा विभाग ने शिकायत पूरी या आंशिक तौर पर खारिज कर दी हो। यहाँ ये बात याद रखनी जरूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से शिकायत खारिज करने के 1 साल के अंदर शिकायत करना जरूरी होगा और किसी दूसरे फोरम में मैटर लिटिगेशन में लंबित होने पर शिकायत का अधिकार नहीं होगा।
अब जान लीजिए कि बीमा लोकपाल क्या करता है। दरअसल बीमा लोकपाल आपके लिए काउंसलर और मध्यस्थ के तौर पर काम करता है, जो समस्या के तथ्यों के आधार पर एक उचित समाधान तैयार करता है। अगर आप इस सेटलमेंट को मान लेते हैं तो लोकपाल इसकी जानकारी कंपनी को देगा और कंपनी को 15 दिनों के अंदर इसकी शर्तों को मानना होगा। यहाँ हमारी भी आपसे अपील है कि आनन फानन में कोई भी पॉलिसी न खरीदें, कोई भी इंश्योरेंस लेते वक्त पूरी रिसर्च करें, हो सके तो टर्म एंड कंडीशंस पढ़ें और न समझाने पर किसी जानकार की मदद लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रिपोर्ट की आप किस तरह से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इस पर हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान हैं आपको इंश्योरेंस की बारीकियों को समझाने के लिए। हमारे साथ हैं मिलिंद खराट साहब, जो कि इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन हैं मुंबई और गोवा के। हमारे साथ बीसी पटनायक साहब हैं, सेक्रेटरी हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल मिलिंद खराट साहब आपसे होगा, क्योंकि आज बीमा ओम्बुड्समैन डे है और इसी बहाने हम अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंश्योरेंस के मोर्चे पर जो भी दिक्कतें आपको आती हैं उसको आप कैसे हल कर सकते हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा, क्योंकि आमतौर पर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि शिकायत की पूरी प्रक्रिया होती क्या है। मान लीजिए, अब मैं आपसे बारीक तरीके से यही समझना चाहता हूं कि अगर किसी का इंश्योरेंस खारिज होता है और उसे मना कर दिया जाता है क्लेम देने से, तो शिकायत का तरीका क्या है, क्या पूरा प्रोसेस है जिसके जरिए कोई व्यक्ति शिकायत कर सकता है? सर्वप्रथम जी बिजनेस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने जो सवाल किया है कि इंश्योरेंस कंपनी के कंपनी को किस तरह से कंप्लेन दाखिल करें अगर उन्होंने क्लेम खारिज किया है, तो इसमें पॉलिसी में इस तरह से लिखा जाता है कि अगर कंपनी ने क्लेम रिपोर्टेड किया है या खारिज किया है तो कंपनी की ग्रीवन सेल रहती है, उसी कंपनी में हायर लेवल पे ग्रीवन सेल रहती है, वो ग्रीवन सेल में आप कंप्लेंट कर सकते हो या चीफ ग्रीवन्स ऑफिसर KRO चीफ ग्रीवन्स ऑफिसर को आप कंप्लेंट कर सकते हो। वो चीफ ग्रीवन्स ऑफिसर जो है वो दोबारा उस कंप्लेंट की जांच करेगा और जांच में अगर उसको तथ्य मिला तो आपका क्लेम मंजूर कर सकता है, अगर उसमें कोई तथ्य नहीं मिला तो आपका क्लेम खारिज हो जाएगा। उसके बाद उसमें पॉलिसी में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप उनके डिसीजन से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट दाखिल कर सकते हो, मगर आपको उनके डिसीजन के एक साल के अंदर ही इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन में आपकी कंप्लेंट दाखिल करनी है। इस तरह की प्रोसीजर रहती है। और उस हमारे पास कंप्लेंट आने के बाद हम उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं जिस बेसिस पे उन्होंने कंप्लेंट की है और कंपनी का उसमें क्या कहना है या कंपनी का रिटर्न स्टेटमेंट या सेल्फ कंटेंट नोट उनके पास से मंगाते हैं और दोनों पार्टी को कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी दोनों पार्टी को बुला के उनकी उनको जो भी कहना है वो हम सुन लेते हैं और उसके बाद हमारा अवार्ड हम पास करते हैं। नहीं, ये बात, हाँ ये बात ठीक है सर, लेकिन मिलिंद जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि आपने कहा कि शिकायत अगर मान लीजिए कंपनी में अगर कंपनी ने अगर आपका खारिज कर दिया, वहां पे आपने शिकायत की और नहीं सुनी गई, तो आप बीमा ओम्बुड्समैन के पास आ सकते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन सर आने का तरीका क्या होगा? मान लीजिए मैं घर बैठा हूं और मुझे शिकायत करनी है आपके पास, तो क्या प्रक्रिया है? क्या ऑनलाइन कोई फॉर्म अवेलेबल है जहां पे मैं भर के डिटेल डाल के आपके पास भेज सकता हूं, या मुझे फिजिकली किसी आपके दफ्तर में आना होगा, इसका क्या क्या प्रोसेस है सर? अभी आपको फिजिकली हमारे दफ्तर आने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप कंप्लेन कर सकते हो। हमारे ईमेल आईडी हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है, उस ईमेल आईडी पे आप घर बैठे कंप्लेंट दाखिल कर सकते हो। उसका जवाब भी आपको ईमेल से मिलेगा। आपका जैसे ही हमें ईमेल प्राप्त होगा हम आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या करना है, तो उसके लिए आपको हमारे ऑफिस आने की जरूरत नहीं। तो ये यूनिफाइड है सर? हेलो, मैं कह रहा हूँ कि ये जो ईमेल आईडी है यूनिफाइड है, मान लीजिए किसी भी जगह का कस्टमर उसी ईमेल आईडी पर कंप्लेन कर सकता है, चाहे वो मुंबई का हो चाहे वो बिहार के किसी सुदूर इलाके का हो, एक ही ईमेल आईडी पर वो अपना कंप्लेंट भेज सकता है, या बिहार के लिए कुछ अलग है महाराष्ट्र के लिए अलग है? हर एक सेंटर का जुरिस्डिक्शन है, जैसे कि हमारा जो जुरिस्डिक्शन है
मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और गोवा का है। हाँ। तो यहाँ रहने वाले जो कस्टमर है वही कंप्लेंट मुंबई में दाखिल कर सकते हैं। अगर दिल्ली का कोई कस्टमर हो तो वो दिल्ली ऑम्बुड्समैन में कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। इस तरह से है। और ईमेल आईडी हमारा दिया हुआ है। ओके। ईमेल आईडी पॉलिसी में भी लिखा होता है। हाँ। आपका इंश्योरेंस पॉलिसी उसमें आप अगर आप देखो अच्छा। तो उसमें भी ईमेल आईडी लिखा रहता है। उस ईमेल आईडी पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। अच्छा चलिए, ये आपने प्रक्रिया बता दी कि आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब जो हमारा अगला सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कंप्लेन करने की प्रक्रिया तो हमने जान ली, लेकिन ऐसा हम क्या करें कि इसकी नौबत ही ना आए कि हमें कंप्लेन करना पड़े। मतलब ये कि इंश्योरेंस लेने में क्या सावधानी बरती जाए, क्या एहतियात बरते जाएं जिससे आपको ये नौबत ना आए कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। ये हम समझेंगे बीसी पटनायक साहब से। सर आप बताएं कि जब हम इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि बहुत आदमी बहुत ये संभव नहीं है कि हर कोई पूरी बारीक तरीके से पढ़े क्या शर्तें हैं, और कई बार लोग नहीं पढ़ते हैं और जो एजेंट बताते हैं उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। तो अगर मुझे मान लीजिए क्रॉस चेक करना हो कि जो मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ उसके क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए सर अपने लेवल पे? सर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, थोड़ी थोड़ी तकनीकी दिक्कत की वजह से आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारी टीम ये ठीक करने का प्रयास कर रही है। मैं दोबारा आपके पास आता हूं और फिर आपसे ठीक तरीके से बात हो पाएगी। लेकिन मिलिंद साहब, मैं सर आपसे एक और चीज जानना चाहता हूं। आपने एक बात कही कि जब कोई कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर दे तब आप शिकायत के लिए आ सकते हैं, ये तो एक बात होगी। लेकिन सर दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार ये होता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है लेकिन आपको बहुत लंबा लटकाया जाता है और पूरी प्रक्रिया करने में बहुत विलंब किया जाता है। क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान है क्या कि कितने महीने में क्लेम का सेटलमेंट हो जाना चाहिए, और अगर उतने महीने में सेटलमेंट नहीं होता है तो उसके खिलाफ हम जा सकते हैं ओम्बुड्समैन में? इसको लेकर कोई प्रावधान है क्या? क्योंकि कई बार ये मामले आते हैं कि अनावश्यक रूप से कार्रवाई की जाती है, एक ही जांच को चार तरीके से किया जाता है, एक ही डॉक्यूमेंट्स को चार बार मांगा जाता है, तो एक हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट होता है। इसको लेकर सर कोई प्रावधान है क्या शिकायत का? जी हाँ, इसके ऊपर भी प्रावधान है। रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट रेगुलेशन ये जारी किए है, और इसमें बहुत सारे प्रावधान है कि आपको कितने दिन के अंदर पॉलिसी इश्यू होना है, अगर आप क्लेम लॉन्च करते हो तो उसका भुगतान कितने दिन में करना चाहिए। उसमें एक ये प्रावधान है कि कोई भी क्लेम का भुगतान 30 दिन के अंदर, आप अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद 30 दिन के अंदर उसका भुगतान होना चाहिए। अगर उसके बाद अगर भुगतान होता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लागू होता है। इस तरह का प्रावधान IRDAI ने प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट रेगुलेशन में किया हुआ है। तो अगर किसी का क्लेम डिले होता है, अगर 30 दिन के अंदर उसको क्लेम मिला नहीं, तो वो ग्रीवेंस ऑफिसर को कंप्लेंट कर सकता है, और वहां से अगर संतुष्टजनक अगर उनको उत्तर संतुष्टजनक नहीं मिला तो फिर वो ऑम्बुड्समैन में कंप्लेंट दाखिल कर सकता है। हेलो, तो आपने कहा कि ये इसका भी प्रावधान है कि अगर अनावश्यक रूप से क्लेम देने में देरी की जा रही हो तो उसके खिलाफ भी आप शिकायत कर सकते हैं। इसको सर थोड़ा सा आप अगर और आसान तरीके से हमें बता दें। आपने बहुत अच्छा बताया, मैं चाहता हूं कि जो हमारे दूर दराज के दर्शक हैं वो भी आसानी से इस बात को समझ पाए कि अगर उन्हें क्लेम देने में सिर्फ मना नहीं किया जा रहा है बल्कि अगर देरी भी की जा रही है तो इसके खिलाफ भी उनके पास अधिकार हैं कि वो शिकायत कर सकते हैं। लेकिन क्या तरीका होगा सर एक दूर दराज में बैठे व्यक्ति के लिए, क्या तरीका है जो आपने कहा कि ग्रीवांस ऑफिसर, ये कहाँ मिलेंगे, क्या वहां पर भी हम ऑनलाइन जाकर के क्या सर्च करें, कौन सी वेबसाइट पे जाएं ताकि हम शिकायत कर पाए कि हमें क्लेम मिलने में देरी? इंश्योरेंस पॉलिसी अगर देखो, आपका अगर इंश्योरेंस पॉलिसी देखो तो इंश्योरेंस पॉलिसी में ग्रीवांस ऑफिसर का पूरा पता, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स सभी लिखे रहते हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपकी पॉलिसी आपको देखना है और वहां पे ग्रीवेंस ऑफिसर के सभी डिटेल्स आपको मिलेंगे,
और वहां पे भी आपको इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के भी डिटेल्स मिलेंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। छोटा सवाल आपसे एक मैं और लूंगा, फिर मैं पटनायक जी के पास जाऊंगा कि आपने कहा कि 30 दिन के अंदर आपने डॉक्यूमेंट जमा किए और 30 दिन के अंदर अगर आपको क्लेम नहीं मिलता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, तो क्या ये सारे इंश्योरेंस पर लागू है 30 दिन वाला फॉर्मूला, या अलग अलग इंश्योरेंस का अलग अलग टाइमिंग तय है? अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के लिए कुछ अलग अलग रूल नहीं है, ये IRDA का जो रेगुलेशन हमने बताया, प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट रेगुलेशन, उसमें ये प्रावधान किया हुआ है और वो सभी कंपनी को लागू होता है। नहीं कंपनी नहीं सर, मैं सारे इंश्योरेंस पर लागू है क्या, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है कोई, सारी इंश्योरेंस कंपनी को लागू है, इंश्योरेंस होते हैं तो क्या हर तरह के इंश्योरेंस पर लागू है क्या? हाँ हर तरह के इंश्योरेंस पर लागू है, मतलब सारे इंश्योरेंस पर लागू है। जी चलिए, ये भी क्लियर हो गया। मतलब ये कि इंश्योरेंस का सेटलमेंट डॉक्यूमेंट जमा होने के 30 दिन के भीतर हो जाना चाहिए, अगर 30 दिन के भीतर नहीं होता है तो आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। आप जब इंश्योरेंस लेते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपको दी जाती है कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं, उसमें डिटेल लिखे होते हैं ग्रीवांस ऑफिसर के, तो वहां पर आप देरी की शिकायत कर सकते हैं। अगर आपका क्लेम खारिज हो जाता है तो खारिज के खिलाफ आप शिकायत ऑम्बुड्समैन में कर सकते हैं। ये दो बातें क्लियर हो गई हैं। लेकिन अब मैं महत्वपूर्ण सवाल पटनायक जी से पूछना चाहता हूं कि ये नौबत ना आए कि आपको शिकायत करना पड़े, आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है? तो पटनायक जी आपसे सर मैंने यही सवाल पूछा था, मैं चाहूंगा आप उसको एक बार फिर से बता दें कि इंश्योरेंस लेते वक्त क्या सावधानी बरती जाए ताकि क्लेम में कोई दिक्कत ना आए। और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट में आपको परेशानी ना आए, इसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। अब मिलिंद जी मैं सर आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ, आपने बहुत ही डिटेल में बताया कि आप शिकायत कैसे कर सकते हैं, क्या प्रावधान है, क्या डिटेल है, लेकिन चूंकि आप ऐसी चीजों से डील करते हैं तो किस तरह की शिकायतें सर आमतौर पर आती हैं कस्टमर की तरफ से क्लेम सेटलमेंट को लेकर के, जो दिक्कतें आती हैं आमतौर पर किस तरह की दिक्कतें आती हैं, क्या क्या शिकायतें आपके पास आती हैं? हमारे पास जो शिकायतें आती है वो हेल्थ इंश्योरेंस में अगर किसी का दावा है हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद हॉस्पिटल का जो भी खर्चा है वो रीएम्बर्समेंट करना इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी रहती है। अगर वो नहीं किया, उन्होंने पूरा रीएम्बर्समेंट दिया नहीं या पार्टली रीएम्बर्समेंट किया, पूरा खर्चा न देते हुए उसका कुछ परसेंटेज दे दिया, तो इस तरह के दावे हेल्थ इंश्योरेंस में आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में होता क्या है कि उसमें जो पॉलिसी आपको नहीं चाहिए उस तरह का पॉलिसी दिया जाता है, या वन टाइम प्रीमियम पॉलिसी समझ के आपको एनुअल प्रीमियम की पॉलिसी दी जाती है, या आपको आपका जो रिक्वायरमेंट कुछ अलग होता है और कुछ दूसरी पॉलिसी आपको दी जाती है, आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट देखे बिना आपको पॉलिसी दी जाती है, इसको हम मिससेल कहते हैं। तो इस तरह के की कंप्लेंट लाइफ इंश्योरेंस में आती है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको हमने बताया कि आपका जो दावा है उसका भुगतान किया नहीं है, पूरे दावे का भुगतान नहीं किया या पूरा पेमेंट आपको किया नहीं, तो उस तरह के कंप्लेंट्स हमारे पास आती है। मोटर में भी कई बार ऐसा होता है कि आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसका जो रिपेयर कॉस्ट है वो आपको दिया नहीं किसी कारणवश, तो मोटर क्लेम में इस तरह की कंप्लेंट आती है। हाउस होल्डर्स क्लेम में भी कभी समझो आपके घर में किसी टीवी या फ्रिज या किसी नुकसान हुआ तो वो नुकसान की इंडेमनिटी या उसकी भरपाई करना इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी रहती है,
और वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने अगर दिए नहीं तो उस तरह की खबर हमारे पास आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो आपने बताया कि किस तरह की शिकायतें आती हैं आमतौर पर इंश्योरेंस में, जो क्लेम सेटलमेंट को लेकर दिक्कतें आती हैं। जी जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया। लेकिन पटनायक जी, मैं सर एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना चाहता हूं। जो बात अभी मिलिंद जी बता रहे थे कि किस तरह की शिकायतें आती हैं, तो उसमें एक मिससेलिंग वाला मामला भी बड़ा होता है। तो जो फर्जी इंश्योरेंस बेचा जाता है, जो मिससेलिंग होती है, उसको पकड़ने का कोई तरीका? एक्सपर्ट तो बता देते हैं कि हाँ ये इंश्योरेंस ठीक है, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक कंज्यूमर के तौर पर, एक कस्टमर के तौर पर अगर कोई पकड़ना चाहे कि ये गलत इंश्योरेंस उनको बेचा जा रहा है, मिस सेलिंग है, इसका कोई तरीका है क्या पकड़ने का सर? नॉर्मली आजकल अगर देखेंगे, वो एक जमाना था कि थोड़ा मिस सेलिंग का ज्यादा होता था, बट अभी सारे इंश्योरेंस कंपनी अपने सारे एजेंट्स को काफी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये मिसेलिंग का जो परसेंटेज है काफी घटते जा रहा है। और कभी कोई मिसेलिंग हो गया तो जैसे कंपनी को शिकायत जाता है तो कंपनी भी अपने तरफ से उसको निवारण कर लेते हैं, कहीं पर वहाँ निवारण नहीं हो पाता है तो जब इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन ऑफिस में आते हैं तो उनका भी निवारण हो जाता है। तो हमारे ये कहने का मतलब है कि जो समाज में या देश में जो व्यवस्था है उसमें कस्टमर के लिए निवारण का काफी व्यवस्था है। हो सकता है कि कभी कोई मिसेलिंग हो गया है, बट उसके लिए ज़्यादा व्यस्त ना होते हुए वो कंपनी से मिल सकते हैं, कंपनी के सारे इंश्योरेंस कंपनी का अच्छे ग्राहक निवारण व्यवस्था है, तो वहाँ पर भी सॉल्यूशन हो जाता है। कहीं पर वहाँ पर मानो 100 में से वहाँ 90% सेटल हो जाता है, कुछ रह जाता है तो वो भी जब आते हैं इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन में उसमें भी काफ़ी हल मिल जाता है। तो देश में जो व्यवस्था है तो सारे सिटीजन्स जो है, सारे नागरिक जो है, उनको व्यस्त नहीं होना चाहिए। और जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो सब तो समझदारी में लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 50 करोड़ करीबन सारे पॉलिसीज मिलकर के होंगे, और पूरा जैसे शिकायत आता है जो इंश्योरेंस इकोसिस्टम में, वो पूरा सारे कंपनी का मिल करके भी 5 लाख से कम आता है, तो वो 0.01% रहता है। उसमें से भी जो थोड़ा वहाँ पर, वहाँ से भी 90% सेटल हो जाता है, 10% जो बच जाता है वो भी इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन में आ जाता है, और यहाँ हमारा सारे केसेस 90 डेज के अंदर सेटल हो जाता है। तो कस्टमर को ये पूरा भरोसा होगा कि हमारे देश में इतना बढ़िया व्यवस्था है कि पॉलिसी तो हम लेंगे, ज़्यादातर पॉलिसी सही मात्रा में सही रहता है, और कभी कोई पॉलिसी अगर थोड़ा उसमें उनका पसंद के मुताबिक नहीं होता है तो सारे व्यवस्था रखा गया है। पॉलिसी बॉन्ड मिलने के बाद 3 लुक पीरियड है, उसके बाद निवारण संस्था में वो कर सकते हैं, ठीक बात, और उसके बाद भी इंश्योरेंस आपके साथ आ सकते हैं। जी ठीक बात है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि व्यवस्था पूरी है, लेकिन हाँ जानकारी लोगों को कम है, इसलिए लोग इसका फायदा उठा नहीं पाते हैं। तो इंतजाम है, सिस्टम है, और उसके थ्रू अगर आप आएंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बीसी पटनायक जी आपका, और मिलिंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि अगर क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत आती है तो उनके पास क्या रास्ता है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।